हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट यूट्यूब चैनल मार्केट आइडिया फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम फिर से देखेंगे कि मार्केट कल कैसे मूव कर सकता है और उसके साथ आप कौन कौन से स्टॉक पे बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा एजुकेशनल पर्पज चैनल है, तो हम यहाँ पे जो भी बताया दिखा रहे उसी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप अपने कुछ भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है और अगर आप देखेंगे तो आज लगभग गैप अप ओपनिंग हुआ था, हालांकि आज था एक्सपायरी, तो यहाँ पे कुछ वोलाटिलिटी ऑब्वियसली देखने को मिलने वाले थे। और यहाँ पे क्या हुआ, सुबह सुबह मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद कुछ देर साइडवेज ही चला। लगभग एक बार निफ्टी कोशिश तो किया अपना जो हाई है इसको तोड़ने का, लेकिन नाकामयाब रहा। और उसके बाद यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे एक बहुत शार्प डाउनवर्ड मोमेंटम हमें दिखा। लगभग 200 से ज्यादा पॉइंट का यहाँ पे डाउनवर्ड फॉल था, क्योंकि आप यहाँ पकड़ सकते 14750-760 लेवल से 14520, सो मतलब 240 पॉइंट्स का एक डाउन साइड मोमेंटम हमें निफ्टी में दिखा और इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी दिखा। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि जो यहाँ पे जो ये चार्ट पैटर्न बन रहे थे हायर टॉप हायर बॉटम के, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पे लो था और यहाँ पे भी लो था और ये फर्दर यहाँ पे लो बना था, और आज जब ये फॉल हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉल ने ये तीनों लो को तोड़ दिया। तो अगर जो हायर लो का फॉर्मेशन था ये अभी ख़त्म हो गया और यहाँ पे नया लोअर लो बन चुका है। अब ये लोअर लो जब तक ऊपर की तरफ हायर लो नहीं बनाता और उसके साथ हायर टॉप्स नहीं बनाता है, तब तक हमें ये समझ लेना चाहिए कि अभी इंट्राडे वाइज ये चार्ट थोड़ा सा वीक है और यहाँ पे सेल साइड मोमेंटम ज़्यादा आने के चांसेस है, तो करेक्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर आपको फिर से निफ्टी ये लेवल के ऊपर एक बार हाई लगाने को दिखता है, या फिर समझिए यहाँ से कल खुला बाजार ऊपर की तरफ थोड़ा सा गया उसके बाद नीचे आया, लेकिन ये लोअर लो मतलब ये जो लो है ये नहीं टूटा और उसके बाद फिर से हाई टूट गया, तो भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हायर हाई फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये था एक्सपायरी का एक पुल बैक, तो ये खत्म हुआ है और अभी ये मार्केट अपना जो मूवमेंट था, जो हाई साइड मोमेंटम था, इसी पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये आपको कल देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव करता है और उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। अब समझ लीजिए कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो आप कौन से लेवल पे बाय कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली 14660 लेवल के ऊपर आप बाइंग के लिए जरूर कोशिश कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको लगभग 14700 के आसपास और 14760 के आसपास रेजिस्टेंस दिखेंगे। और अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे आपके सेल के लिए दो पॉइंट है, एक है 14570 के आसपास जिसके नीचे आप सेलिंग कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर है तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी लो बना है और ये भी ये जो लोअर पॉइंट है इसके नीचे पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप सेल जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो वेट कीजिएगा और 14520 के नीचे आपके लिए उस वक्त सेल करना बेटर रहेगा और उस हिसाब से आपको नीचे की तरफ अच्छा फॉल भी दिखने को मिल सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे ट्रेडर है और उस हिसाब से अपना जो भी लेवल है उसको डिसाइड करना है। या तो आप 14570 के नीचे सेल कर सकते हैं या फिर आप 14520 लेवल के नीचे सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, लेकिन बाइंग अगर आपको करना है तो 14660 के ऊपर ही आपको बाइंग करना मतलब आपके लिए ठीक रहेगा। आप कोशिश कर सकते हैं 14640 के आसपास, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग नेगेटिव साइड पे बैठे हुए हैं इंट्राडे वाइज, और उस वक्त आप कुछ मतलब छोटे लेवल पे अगर बाय कर लेंगे और उसके बाद अगर आपको अगर समझे मार्केट यहाँ से घूम जाता है तो आपको एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। लेकिन सेलिंग के लिए आप जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो लोअर लो का कॉन्सेप्ट हमने जो बताया आपको ये हो चुका है, तो इस वजह से अगर यहाँ पे पुल बैक आता भी है तो फिर भी नीचे की तरफ जाने की कोशिश रहेगा जब तक कोई नया हायर हाई नहीं बन जाता। मतलब यहाँ से चार्ट समझिए कुछ इस तरह का गया, उसके बाद नीचे आया, समझिए यहाँ तक आ गया और उसके बाद फिर से जाके ये हाई को इसने तोड़ दिया, तब आपको सोचना है कि उसके बाद देखना है कि लो कहाँ पे लग रहा है। अगर इस तरह का कुछ लो लगता है इसके ऊपर तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये जो पैटर्न था ये खत्म हो गया और अभी नया हायर हाई हमें दिखने को, हायर लोज मिलेंगे और आप ऑब्वियसली बाय साइड में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहे तो आप जरूर हमसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। और हम टेलीग्राम पर लाइव मार्केट में बहुत सारे कॉल्स देते रहते हैं फ्री में, तो आप चाहे तो जरूर उसको चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी। और देखिए बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह ही एक मोमेंटम दिखा, एक गैप अप ओपनिंग था उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज रहा, लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या खास हुआ था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ब्रेकआउट अच्छा किया था, मतलब निफ्टी से ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी पे दिखा था। लगभग 100-150 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर की तरफ आया था, उसके बाद फिर से साइडवेज रहा और उसके बाद यहाँ पे ये फॉल दिखने को मिला। और ये फॉल को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 32,800 के लेवल से लगभग 31,000
सॉरी 32,000 के लेवल तक आया था, तो मतलब 800 पॉइंट्स का एक डाउनसाइड मोमेंटम आपको मिला था बीच में, और एक अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा फॉल यहाँ पे हुआ था। बहुत अच्छा था आज का मार्केट, और जो हम लोगों ने भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे तो वो भी बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे। तो ऑब्वियसली जो हम लोगों के प्रीमियम मेंबर्स है, जो हमारे अंडर अकाउंट हैं जिनका, उनको भी मिला था, तो बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे ये ऑप्शंस। तो आप भी इसको शायद कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर बनाए होंगे इस ऑप्शन से, क्योंकि एक अच्छा खासा शार्प फॉल नीचे की तरफ था, तो कोई पुल बैक क्योंकि नहीं था, तो आपको ऑब्वियसली लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाते थे यहाँ पे। तो आज का मार्केट तो बहुत अच्छा रहा। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है कल के लिए। तो यहाँ पे ये भी लोअर लो का पैटर्न बना चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी लो था, यहाँ पे भी लो था, यहाँ पे भी लो था, ये तीनों को तोड़ दिया है एक साथ एक ही दिन में। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। अब जब तक नया हायर हाई हायर लो नहीं बनता है, तब तक ये वीक ही रहेगा। अब अगर आपको बाय करना है तो आप बाइंग के लिए ये लेवल के ऊपर बाइंग के लिए सोच सकते हैं। 32,300 के ऊपर बाइंग करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऊपर की तरफ लगभग आपको 32,500 के आसपास रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, या फिर 600 के आसपास मिलेगा, उसके ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जरूर आपको रेजिस्टेंस एक जगह मिलेगा। और नीचे की तरफ अगर आपको सेल करना है, तो अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आपको 32,000 टूटने का वेट करना चाहिए, उससे पहले आपका सेल करना ठीक नहीं रहेगा। और अगर आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर है तो 31,150 लेवल के नीचे आप जरूर यहां पे सेल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये तीनों लेवल्स को ध्यान रखिए, और जो बताया हमने कि आपके आपका मतलब आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग अपना लेवल को डिसाइड कीजिए, और उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग डिसीजन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लिए बैंक निफ्टी का भी। अब चलिए थोड़ा सा स्टॉक देख लेते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हमें कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहे तो आप जरूर हमारे अंडर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके जरूर हमारे अंडर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप हमारे अंडर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारे तरफ से प्रीमियम कॉल्स एकदम फ्री में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टॉक्स। जो स्टॉक हम पहले देखेंगे वह रिलायंस। हमने आपको पिछले एक दो दिन पहले ही बताया था एक वीडियो में कि रिलायंस शायद बढ़ सकता है, और उसके बाद वो शायद यहाँ पे था कहीं पे ये लेवल के आसपास, या फिर इसके आसपास था, हाँ इसके आसपास हमने बताया था। तो देखिए ये लगभग 2000 के आसपास था, हमने आपको कहा था 2000 के 1980 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और आपको 2000-2040 के आसपास एक रेजिस्टेंस जरूर दिखेंगे। और उसके बाद ही एक डेडिकेटेडली रिलायंस के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि रिलायंस के ऊपर की तरफ जाने के कुछ कारण कैसे हो सकते हैं, मतलब क्यों ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसको अभी आप चैनल पे जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। तो दोनों डेडिकेटेड वीडियो में भी हमने आपको कहा था कि रिलायंस के ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है, तो ये दोनों वीडियो के हिसाब से भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। और ये देखिए आज अभी रिलायंस मतलब 2120 पे ट्रेड कर रहा है, तो मतलब ऑलरेडी जहां पे हमने कहा था आपको 1980 वहां से 140 पॉइंट्स का इसका इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका है, तो 5% तो ये ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो यहां पे अगर आपको कल रिलायंस 2120 के ऊपर मिल जाता है तो आप यहां पे जरूर बाइंग के लिए सोच सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको लाए शायद बीच में कहीं पे 2150 के आसपास रेजिस्टेंस मिल सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है वो 2175 के आसपास होगा, तो 2175 के आसपास आपको रेजिस्टेंस जरूर मिल सकते हैं। तो 2120 के ऊपर अगर कल इंट्राडे पे ये ट्रेड करने लगता है तो आप जरूर बाइंग के लिए सोच सकते हैं। ऊपर की तरफ 2150-2175 का आपको रेजिस्टेंस जरूर दिखेगा। तो ये अगर इतना भी चलता है तो भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम इंट्राडे में मिलेगा, और आप अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे इंट्राडे पे, ठीक है। तो ये था आपके लिए एक स्टॉक, और दूसरा स्टॉक हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर हमें कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी स्टॉक को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो उसे हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो दूसरा जो स्टॉक आप यूज कर सकते कल के लिए वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक, अब देखिए अगर बैंक निफ्टी वीक रहता है तो बैंक सेक्टर में जो भी बैंक्स है सभी वीक रहेंगे, और अगर ये सब वीक रहते हैं तो यहाँ पे स्टेट बैंक देखिए एक अच्छा खासा मतलब 3-4 दिन का एक रेंज बना के बैठा हुआ है, और इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये रेंज कल टूट जाता है, समझे 291-92 लेवल के नीचे अगर ये चलने लगता है, तो यहाँ पे जरूर ये रेंज टूट जाएगा। और अगर ये रेंज टूटता है तो आपको नीचे की तरफ लगभग 278-279 का सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर उतना भी छोड़ दीजिए, अगर 2-3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स भी आपको मिल जाते तो भी आपके लिए इंट्राडे पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आप मान सकते हैं, क्योंकि 2-3% का मूवमेंट आप कैश कर पाएंगे, 1-2% का मूवमेंट आप कैश कर पाएंगे। तो उस हिसाब से आप स्टेट बैंक को कल सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे रख सकते हैं। अगर 292-291 रेंज के नीचे ट्रेड करने लगते तो आप यहाँ पे जरूर सेलिंग के लिए सोच सकते हैं अपने हिसाब से, और उसके साथ आपको नीचे की तरफ 278-279 का सपोर्ट भी मिल सकता है। तो ये था आपके लिए दो स्टॉक, एक है स्टेट बैंक और दूसरा है रिलायंस, और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो व्यू था वो भी हमने आपको बता दिया। तो चलिए वीडियो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा, और उसी के साथ जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।